पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के नए मामले देखने को मिल रहे हैं। गाजीपुर की बात करें तो जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8 नए मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान गाजीपुर से ज्यादा खराब हाल दूसरे पड़ोसी जिले में देखने को मिला है। हम बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले मिले हैं। एक ही दिन में इतने मामले सामने आने पर बलिया जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 हो गई है। इससे पहले बलिया में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती नजर आ रही थी, लेकिन प्रवासियों के आने से ये रफ्तार फिर से बढ़ गई है। बलिया के अलावा जौनपुर और वाराणसी में भी पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8-8 नए मामले मिले हैं। पूर्वांचल ने केवल इन्हीं चारों जिले यानी गाजीपुर, बनारस, बलिया और जौनपुर को ही जोड़ दें तो पिछले 24 घंटे में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 हो गई है। पूर्वांचल में लगातार प्रवासियों को लेकर आने वाली ट्रेनों के आने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि विगत दिनों में 25 लाख श्रमिक या कामगार प्रदेश में आ चुके हैं, लगभग 5 लाख और श्रमिकों के आने की संभावना अभी और है। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश वापस आने वाले कामगारों को क्वारंटीन सेंटर में ले जाते हुए वहां उनकी स्क्रीनिंग की जाए। निर्देश दिया गया है कि जो स्वस्थ हों उन्हें राशन किट उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।